शहर में मंगलवार को चिकित्सक के नाम पर एक अस्पताल बॉय द्वारा रोगी का उपचार करने का मामला सामने आया है। रोगी की तबीयत में सुधार नहीं होने पर अस्पताल पहुंचे रोगी के परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तो पीड़ित पक्ष के लोगों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। इस दौरान पीड़ित पक्ष के लोगों तथा अस्पताल के चिकित्सक के मध्य कई बार कहासुनी भी हो गई। परेशान चिकित्सक ने सिटी थाना पुलिस को हंगामे की जानकारी दी, जिसके बाद सिटी थाने के हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे तथा दोनों पक्षों की बात सुनकर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। आखिर में हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह दोनों पक्षों को लेकर थाने पहुंचे, जहां पर पहले तो दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ लिखित शिकायत दी, लेकिन थोड़ी देर बाद थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा की मध्यस्थता में हुई वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया। जानकारी के अनुसार चांगदार रोड गहलोत कॉलोनी निवासी योगेश पालड़िया पुत्र नौरथमल पालड़िया सोमवार को अपने दाढ़ दर्द के चलते चंपानगर स्थित अर्जुन डेंटल क्लिनिक पर पहुंचा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान क्लिनिक के चिकित्सक डॉक्टर अर्जुन सिंह भाटी मौके पर मौजूद नहीं थे। योगेश ने क्लिनिक पर मौजूद एक लड़के से डॉक्टर भाटी के बारे में पूछा तो लड़के ने अपने आप को ही डॉक्टर भाटी बताया। इस पर योगेश ने अपने दर्द के बारे में बताया तो लड़के ने इलाज के 3,000 रुपए मांगे तो योगेश ने हाँ कर दी। इसके बाद तथाकथित चिकित्सक लड़के ने योगेश का रूट कैनल करते हुए उपचार कर एक पर्ची पर दवा लिख दी। उपचार लेने के बाद योगेश अपने घर चला गया, लेकिन उसकी दाढ़ में दर्द हो रहा था। मंगलवार को अपने दर्द की शिकायत को लेकर योगेश अपने परिजनों तथा परिचितों के साथ अर्जुन डेंटल क्लिनिक पर पहुंचे और डॉक्टर भाटी से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तो योगेश का उपचार ही नहीं किया। यह जानकारी मिलते ही योगेश के परिजन भड़क गए तथा डॉक्टर भाटी से सोमवार को उपचार करने वाले व्यक्ति को बुलाने पर अड़ गए। हालांकि इस दौरान डॉक्टर भाटी ने उपचार की पर्ची देखकर बताया कि उसे दिया गया उपचार तथा दवा बिल्कुल सही है, दांत का दर्द है जो एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। इस दौरान डॉक्टर भाटी ने परिजनों से मेडिकल से दवा लाने तथा उसके बारे में समझाने की बात कही, लेकिन परिजन उपचार करने वाले लड़के को सामने लाने पर अड़े रहे। आखिर में डॉक्टर भाटी ने सिटी थाना पुलिस को फोन कर मौके पर बुलाया। पुलिस द्वारा की गई समझाइश पर भी मामला शांत नहीं होने पर दोनों पक्षों को सिटी थाने लाया गया, जहां पर दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा की मध्यस्थता में हुई वार्ता में दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया। 27 तारीख को राइट टू हेल्थ के खिलाफ हमारा जेपी हॉस्पिटल के अंदर मीटिंग थी डॉक्टर्स की, तो मैं मेरे क्लिनिक में उपस्थित था। क्लिनिक मेरा मंगल था, मेरा स्टाफ जरूर अंदर बैठा था क्लिनिक के अंदर, तो जो भी मेरे कोई अपॉइंटमेंट्स है तो उसको वो आगे अपॉइंटमेंट दे सके, इसलिए वहाँ पे बैठा था। अकेले का हमारा ऑफ था, तो वहाँ पे कोई लड़का आया जिसको दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं वहाँ पे था नहीं, तो उसने सोचा कि डॉक्टर साहब है नहीं, आप कल आ जाइएगा। तो उसने कहा कि सर आप जो भी मेरे को छोटा मोटा ट्रीटमेंट कर सको तो वो आप मेरे को ट्रीटमेंट करके दे दो। तो लड़के ने देखा कि भाई ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो उसको समझाया कि इस तरीके से तेरा प्राइमरी ट्रीटमेंट हो सकता है और इसका ये चार्ज लगेगा। तो लड़का एग्री हो गया और बोला कि साहब मेरे को तो आराम मिल जाना चाहिए। तो उसका ट्रीटमेंट किया और उसका आराम मिल गया और वो चला गया। उस दौरान मैं पूरे प्रक्रिया के दौरान मैं वहाँ पर क्लिनिक में मौजूद नहीं था, मैं स्ट्राइक के चलते अब डॉक्टर्स के साथ मीटिंग में था जय क्लिनिक हॉस्पिटल के अंदर। तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि कल क्या कुछ ट्रीटमेंट हुआ नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। आज मेरे पास कोई पेशेंट लेके आया, बोला कि सर आपके अनुपस्थिति में आपके स्टाफ ने कोई पेशेंट किया है और उसके पेन हो रहा है दांत के अंदर। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ है तो मैं देख लेता हूँ। तो मैंने उनको चेक किया, उसके दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने उससे बोला कि आपका ट्रीटमेंट क्या था, तो उन्होंने मेरे को स्लिप दिखाई जो मेरे स्टाफ ने लिख रखी थी उनको। तो मैंने उसको बोला ये दवाइयाँ मुझे ला के दिखाओ, कहीं आपको कहीं दूसरी दवाई तो नहीं दे दी किसी केमिस्ट ने। तो बोलते कि हम पढ़े लिखे हैं, ये दवाई लिखी हुई जो ही दी है। तो मैंने उनको बार बार आग्रह किया कि ये दवाई ला के दिखा दीजिए, मैं बता दूंगा कि किससे क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं तो मैं और दूसरी दवाई लिख दूंगा उनको जिससे उनको आराम मिल जाए। पर वो बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, लड़ाई झगड़े के लिए उतारू हो रहे थे, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। 15 से 20 जनों का देखते ही देखते भीड़ लगा दी मेरे क्लिनिक के अंदर। तो फिर मैंने थाने में फ़ोन करके और पुलिस को बुला के कार्रवाई की। बोला अर्जुन जी मैं ही हूँ, इन्होंने गेट खोला पहले, अंदर बुलाया मेरे को, पूरा ट्रीटमेंट समझाया कि मैं ही अर्जुन जी हूँ।
और ट्रीटमेंट में बोला इन्होंने खर्चा 5400 का खर्चा आएगा आपके, 3000 एडवांस लगे, इन्होंने 3000 मेरे से लिए एडवांस। उसके बाद मेरे ट्रीटमेंट करना चालू कर दिया इन्होंने सुन करके, 5 से 6 इंजेक्शन लगा के इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करा। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपके कोई दर्द नहीं होगा, बाद में मेरा दर्द होने लगा।